हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं आपकी फ़िलहाल टेंस करा रहा हूँ, जिसमें टेंस की मैंने आपकी चार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारी टेंस की आपकी आज पार्ट फाइव या हम कहें पाँचवीं आज क्लास है आपकी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका पास्ट टेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट की वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को। स्टूडेंट, आज की क्लास है आपकी पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के स्टूडेंट, आपको जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट बताए थे, ऐसे ही आपकी पास्ट टेंस के भी आपके चार पार्ट होते हैं। यानी हम बात करें पास्ट आपका इंडेफिनेट या आपका सिंपल पास्ट होता है स्टूडेंट्स, साधारण जो आपका भूतकाल होता है उसके बारे में, या हम कहें पास्ट आपका इम्परफेक्ट कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इम्परफेक्ट में या हम कहें कंटिन्यूस में, ये आपका तत्कालीन होता है, कोई भी काम अभी हुआ है तुरंत पास्ट में तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में काम चल रहा है, तो ये बात की बात है। तो आपको जनरली हम पास्ट के बारे में बताएंगे, एन एक्शन विच डन एट द पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम पास्ट टेंस में क्या है स्टूडेंट, जो आपके काम जो हमने एक्शन किए हैं या वर्क किए हैं वो हमने पास्ट टेंस में किए थे। तो पास्ट टेंस में आपका यही बताया गया कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने के लिए, या हम कहें कोई आपका काम हो रहा था या हो गया था या एक लंबे समय से होता आ रहा है, अगर ये उसमें कहीं बोध होता है तो स्टूडेंट से हम पास्ट टेंस कहते हैं। जनरली मैंने यहाँ आपकी एग्जाम्पल दिए, इनके थ्रू हम समझेंगे। आई रोट ए लेटर, तो यहाँ मैंने क्या स्टूडेंट, मैंने एक पत्र लिखा, इसका हम अगर हम हिंदी अगर उच्चारण करते हैं हिंदी में तो इसका मीन्स आएगा आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखता था। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर फोर डेज, मैं एक पत्र चार दिनों से लिख रहा था। तो ये स्टूडेंट हमने चारों के आपको एग्जांपल बताए हैं यहाँ पर। तो आज स्टार्ट है आपका सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे आज की क्लास में स्टूडेंट हम। सिंपल पास्ट मीन्स होता है सामान्य आपका भूतकाल स्टूडेंट। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, बाकी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की आप सेकंड फॉर्म लेते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट हम आपका ऑब्जेक्ट। अगर हम जनरली जो हम आपका जो पढ़ते हैं टेंस, तो उसमें आपने देखा होगा कि इनके लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट आपका, ता थी ती थे ती थे या आई ई ए ई। तो इस तरीके से आपके कुछ वर्ड मिलते हैं स्टूडेंट, जिनसे हम आप समझ सकते हो कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और इसमें एक आप बात ध्यान रखना है, सिंगुलर और आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, टेक्स सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो स्टूडेंट इसमें चाहे आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम मेन वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, वी लर्न आवर लेसन। तो यहाँ आपका वी क्या है स्टूडेंट, वी हमारा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और उसके साथ हमने यहाँ लर्न की सेकंड फॉर्म यानी लर्न आवर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स पीछे वाला। तो यहाँ पर हमने क्या है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है स्टूडेंट, उसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इट रेन यस्टरडे, इट रेन तो रेन की सेकंड फॉर्म रेन होती है स्टूडेंट्स। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो आई आपका सिंगुलर नंबर में होता है स्टूडेंट, और आपका बैंड क्या है सेकंड फॉर्म है गो की, गो बैंड कौन, और टू डेली यस्टरडे। तो इसमें कुछ वर्ड आए सुन आपका, जैसे यस्टरडे है, तो ये कुछ एडवर्ब होते हैं, इनका अलग इस्तेमाल है वो आगे बताऊंगा पे आपको स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने आपको पर्सन समझाने के, पर्सन में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, जो आपका स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आपके आई और बी आते हैं, सेकेंड में आपका यू आता है, थर्ड में स्टूडेंट आपके ही सीट और दे माई या फ्रेंड्स है या कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। तो जो सिंगुलर नंबर होते हैं स्टूडेंट उसमें फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है और प्लूरल में आपका वी आता है स्टूडेंट्स। यू आपका सेकंड में सिंगुलर, प्लूरल में आपका यू का यू ही रहता है स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन में आपका ही सीट आते हैं सिंगुलर में, और दे है आपका
या कोई भी अदर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट आपका थर्ड पर्सन में आता है। अब स्टूडेंट यहाँ हमने स्ट्रक्चर की बात किया नेगेटिव और आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य। तो स्टूडेंट आपका जो नेगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट हम सब्जेक्ट यूज करते हैं और आपका डिड नॉट और मैम आपकी आपकी फर्स्ट और आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना हो तो स्टूडेंट उसके लिए हम पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं फिर आपका सब्जेक्ट मैन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट जहां भी आपकी इंट्रोगेटिव की बात हो वहां पर हमको क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना है। अगर हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपका जो सेंटेंस दिया गया स्टूडेंट वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम समझेंगे स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि हम जब पास्ट इंडेफिनेट का आप नेगेटिव बनाते हैं या आप इंट्रोगेटिव बनाते हो उसके साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते स्टूडेंट आपकी वैन वर्ब जो होती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ए से आपका अफर्मेटिव है एन से नेगेटिव और आई से स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव है। तो लिखा गया आपका ही रोट वो लिखा ठीक है ही डिड नॉट राइट। तो ये राइट स्टूडेंट आपकी क्या है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है राइट की रोट रिटन होता है थर्ड फॉर्म। ही डिड नॉट उसने नहीं लिखा ही रोट उसने लिखा डिड ही राइट क्या उसने लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या बताया आपको जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को आपका बाद में। सेकंड में बताया गया कि दे प्लेड वे खेलते थे तो यहाँ दे डिड नॉट प्ले वे नहीं खेलते डिड दे प्ले। तो यहाँ आपका जो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट आपका डिड हमने आगे ले लिया है और आपका सब्जेक्ट है और आपकी जो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे आपके असर्टिव में लेकिन हमने अगर इसका नेगेटिव बनाया है तो स्टूडेंट वहाँ पर हम इसका आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं सॉरी यहाँ पर प्ले नहीं आएगा आपका प्ले ही आएगा। ऐसे आपका स्टूडेंट थर्ड आपका एग्जांपल दिया है कि राम मेड ए मिस्टेक राम ने गलती की या राम से कोई गलती हो गई। तो यहाँ क्या स्टूडेंट ये पास्ट टाइम में हुआ है ठीक है ना यहाँ राम डिड नॉट मेक मिस्टेक। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो यहाँ पर हम चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या हम आपका प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट उसके साथ हम आपकी डेट का यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम आपकी फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना है भैया। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्टूडेंट अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं सबसे पहले उसके बाद हम सब्जेक्ट उसके बाद नॉट प्लस बी वन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। और अगर इसका हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना हो डिड नॉट का तो स्टूडेंट हम डिड नॉट को यानी हेल्पिंग वर्ब और आपके नॉट को एक पहले ले आते हैं उसके बाद हम सब्जेक्ट और आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट जब हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट आपके क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना होता है यूज़ करते हैं हम कंपलसरी होता है। यहाँ आपके एग्जांपल दिए गए हैं ए यानी ए आपका अफर्मेटिव है आई एन सी इंट्रोगेटिव आपका नेगेटिव। तो यहाँ मैं लिखा है बताया आपको कि आई टॉट इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाई या मैं इंग्लिश पढ़ाता था। तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट इसका अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने क्या बताया एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएं उसके बाद आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रख सकते हैं उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। सेकेंड होता है स्टूडेंट हम कि आपके डिड नॉट का हम एक साथ यूज़ करते हैं डिड नॉट डिडंट के साथ आपका सब्जेक्ट और आपकी फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। इसी तरीके से स्टूडेंट आपका सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर कि ही वेंट टू मार्केट वो मार्केट गया। तो यहाँ क्या है पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे जब स्टूडेंट हम नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट का तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या यूज़ करते थे हम डू और डज। तो यहाँ हम किसका यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट आपके डिड का यूज़ करते हैं और इसके साथ हम डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट डिड सब्जेक्ट नॉट गो टू मार्केट और आपका क्वेश्चन टैग। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ आपको कुछ बताया गया है कि सिंपल पास्ट में बाकियों का जब हम नेगेटिव या हम आपका इंट्रोगेटिव बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की। अब ये मत कहना कि सर ने पास्ट इंडेफिनिट में बोला था कि आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है सेकेंड वर्ब का यूज हम जब करते हैं स्टूडेंट जब हम केवल आपके अफर्मेटिव यानी कि आपके साधारण वाक्य की बात करते हैं जब आप आपके नेगेटिव बनाते हैं या हम बाकी को
इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ये तो था आपका जनरली यूज़ जो हम पढ़ते हैं आपके ग्रामर में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अपनी कंपटीशन के मायने से। तो यहाँ आपके फर्स्ट रूल है आपका, जो भी मेन पॉइंट है उनको मैंने रूल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट रूल है सिंपल पास्ट का यूज हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में पहले हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ आपके एग्जांपल दिए गए हैं कई सारे, तो यहाँ हम समझेंगे हिज ब्रदर कम बैक। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपका काम पास्ट में हो चुका है, हिज ब्रदर कम बैक, उसका भाई वापस आया। तो उसका भाई वापस आ चुका है, इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, वो काम क्या है आपका पास्ट में हो चुका है आपका। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, तो वो वहाँ गया, अब तो नहीं गया है, क्या है वो पहले जा चुका है, यानी अब से पास्ट में, यानी पहले कुछ टाइम पहले गया है। तो यहाँ स्टूडेंट इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम सिंपल पास्ट का यूज ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पहले पास्ट में आपके आपके हो चुके होते हैं। आई बॉट दिस पेन इन आगरा, मैंने यह पेन आपका आगरे में खरीदा। ही कम्स लास्ट नाइट, वो लास्ट रात को आया। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये काम आपके ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड में आपका बताया गया है स्टूडेंट्स कि हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित या समाप्त हुए। इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट कि आप इसका यूज ऐसी जगह पर करेंगे, यानी ऐसे एक्शंस के साथ करेंगे जो काम आपके ऑलरेडी पहले आपके समाप्त हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं आगरा कल गया। तो यहाँ क्या स्टूडेंट, आई के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ आपने यस्टरडे यूज किया स्टूडेंट्स। ही कम टू सी मी लास्ट, वह मुझे देखने के लिए लास्ट नाइट आया। तो यहाँ पर आपका लास्ट नाइट है या यस्टरडे, तो ये क्या स्टूडेंट आपकी ये होते हैं आपके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, या हम कहें एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी इस समय के हमें बारे में नॉलेज होती है। जैसे आपका यस्टरडे है, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आपका आफ्टरनून है, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। आपका एगो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट मॉर्निंग है आपका, लास्ट मोमेंट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे आपका, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या हम कहें इन जनवरी 1990। तो ये स्टूडेंट इनका यूज हम आपके सिंपल पास्ट में करते हैं। ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग, इनसे हमें समय के बारे में क्या आपका मालूम होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो ऐसे काम जो पहले ऑलरेडी आपके समाप्त हो चुके हैं। रूल नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स आपका कि इसका यूज हम पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए यूज करते हैं। इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट, इसका यूज हम ऐसे रिलेटेड, यानी कि जो काम आपकी कोई भी स्थिति थी या हम कहीं कोई भी इवेंट था जो पास्ट में हुआ था, जैसे इट वॉज नाइट, यह रात थी। तो ये से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, ये आपका एक सिचुएशन है, किसी स्थिति के बारे में बोध करा रहा है। यहाँ पे इट वॉज हेल्पलेस, सॉरी आई वॉज हेल्पलेस, मैं क्या था, मैं हेल्पलेस था। आई वॉज वेरी रिच, मैं बहुत अमीर था। तो ये स्टूडेंट क्या आपके पास्ट समय के बारे में बता रहा है कि रात थी, या मैं अमीर था, या मैं हेल्पलेस था, मैं मजबूर था। तो ये स्टूडेंट क्या आपके इसका भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर फोर, इसमें बताया गया स्टूडेंट पास्ट हैबिचुअल एक्शन भूतकाल से संबंधित जो आपके एक्सप्रेसिंग होते हैं उन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं स्टूडेंट। यानी कि कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम हैबिचुअल, यानी कोई भी ऐसे काम थे जो हमारी आदत में थे, जिनको हम रोजाना करते थे, उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे सी वेंट ऑन मंडे, वह मंडे को गया। ही ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर, तो यहाँ क्या बता रहा है, ही ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर, तो ये क्या स्टूडेंट उसकी आदत है, वो मुझे हमेशा क्या है डिनर पर बुलाता है, ठीक है। सी वेंट ऑन मंडे, तो वो मंडे को क्या है गई, तो वो मंडे को जाती है, तो ये स्टूडेंट उसकी क्या है आदत है। यहां बताया गया है कि आपके पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए हम आपके कुछ वर्ड होते हैं स्टूडेंट, जैसे ऑलवेज है, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्ली, रेयरली, कभी कभार, वंस ए डे दिन में एक बार, वंस ए वीक दिन में एक बार, महीने में एक बार, डेली रोजाना, एवरी डे माने रोजाना, एवरी वीक प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक मंथ का यूज स्टूडेंट ये आपकी क्या है। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमने पास्ट हैबिचुअल में हम कोई भी एक्शन करते हैं जो पास्ट में आपकी रिलेटेड होती है स्टूडेंट, उसका हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं।
यहाँ बात आई स्टूडेंट आपकी यूज टू, ये जो यूज टू है स्टूडेंट, ये आप जो स्पीकिंग, अगर कोई स्टूडेंट हो जो स्पीकिंग की तैयारी कर रहा हो तो वहाँ पर स्टूडेंट इस वर्ड का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज टू का मीन्स होता है जो आपकी कोई पास से रिलेटेड आपकी कोई भी हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए। जैसे आई यूज टू रीड इन द मॉर्निंग, तो क्या है, मैं रोजाना क्या करता था स्टूडेंट, मॉर्निंग में पढ़ा करता था। गांधी जी यूज टू स्पिन इन द स्पिन ऑफ आपके टर्नून, तो ये क्या है, गांधी जी अपना जो चरखा था उससे सूत काट देते थे। तो ये स्टूडेंट क्या है, उनकी आदत के बारे में बता रहा है यहाँ पे, तो वहां पर भी आप यूज टू का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका बुट, बुट से भी हमें क्या पता चलता है, आपके हैबिचुअल एक्शन के बारे में पता चलता है, कोई भी है जो हम काम आपके पास्ट में करते थे। जैसे सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट कि वह अपने लवर यानी अपने प्रेमी का वेट कहाँ करती थी, इन द पार्क। तो ये क्या है, बहुत पहले की बात है, यानी वो हमेशा हमेशा जब भी वो अपनी प्रेमी से मिलती थी तो वो उसका वेट कहाँ करती थी, पार्क में। तो ये क्या है स्टूडेंट, उसकी एक आदत के बारे में बता रहा है, यानी पास्ट कोई भी आपकी हैबिचुअल जो उसकी आदत में थी उसके बारे में बता रहा है। ही वुड वेट फॉर हिज फ्रेंड इन द प्ले ग्राउंड फॉर प्ले क्रिकेट, तो बताया गया कि वह अपने मित्र का क्या करता था, इंतजार करता था फॉर हिज फ्रेंड इन द प्ले ग्राउंड, किसके लिए, क्रिकेट खेलने के। तो ये स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए उसकी आदत है कि कोई लड़का है वो अपने फ्रेंड की हमेशा वेट करता है उसके साथ क्रिकेट खेलने की। तो ये आपकी स्टूडेंट क्या है, पास्ट हैबिचुअल आपकी एक्शंस है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 5, जब हम स्टूडेंट आपके सिंपल पास्ट करेंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो ये इनका यूज हम आपके सिंपल पास्ट टेंस में आपका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे इट इज टाइम यू स्टार्टेड स्टडी, यह वह समय है जहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। इट इज हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर बस स्टॉप, या बिल्कुल एकदम उचित समय है कि वो अपने सही समय पर अपने उसको बस स्टॉप को छोड़ सकती है। तो यहाँ स्टूडेंट हम इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बारे में, तो इनके साथ आपके सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6, इसमें बताया गया सपोजनल टेंस जो होते हैं, इफ एज इफ एज दो इफ ओनली आई विश बी विश ही विश सी विशेस दे विश यू विश, तो ये स्टार्ट होते हैं ये स्टूडेंट आपके सिंपल पास्ट का हम यूज करते हैं। ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपकी शर्त के बारे में बताते हैं। सपोज मतलब सपोज कहते हैं ना, सपोज मानो ऐसा ना हो, तो इफ माने ऐसा, एज इफ कहीं ऐसा ना हो, एज तो ऐसा भी हो सकता है, इफ ओनली अगर ऐसा हो, आई विश मैं काम ना करता हूँ, बी विश हम सोचते हैं ऐसा, तो इनके साथ हम स्टूडेंट आपके सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, मैं सोचता हूँ काश मैं आपका यूपी का चीफ मिनिस्टर होता स्टूडेंट। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, तो ये जो सपोजनल टेंशन होते हैं उनके साथ हम स्टूडेंट आपकी वर जो होती है उसका यूज करते हैं। ये मैं आपको रूल कई बार बता चुका हूँ, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो आई वुड सॉल्व, मैं परेशानी को सॉल्व करूँगा द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, में जो कश्मीर की जो समस्या है उसका मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या यूज़ हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो आपका आई विश मैं सोचता हूँ अगर ऐसा हो, आई बिकम यहाँ पर देखो ठीक है सॉल्व है, यहाँ पर ही टेक्स एज इफ ही वर माई फादर, यह वो मुझसे इस तरीके से बात करता है या वो मुझसे इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि वो मेरा फादर हो, तो इनके साथ स्टूडेंट आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका रोल नंबर 7, इसमें बताया है कि शर्त सूचक जो वाक्य होते हैं वो इफ क्लाउज का यूज होते हैं, इसके साथ हम आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन इसके साथ अब हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट आपके जो इफ क्लॉज से जो स्टार्ट जो आपके आपके जो सेंटेंस होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, उससे या तो हमें वर्तमान के समय में या भविष्य के बारे में पता चलता है, लेकिन उनके साथ आप सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इफ माई सर्वेंट कम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज बेस, तो यहाँ आप समझ सकते हैं इफ माने यदि मेरा सर्वेंट यानी मेरा नौकर अगर वो टाइम पे आता है, वो बता रहा है स्टूडेंट अगर वो इस समय टाइम पे आया आपके प्रेजेंट टाइम में, या बोला अगर वो फ्यूचर टाइम में आया तो आई वुड पे मैं उसको अदा करूँगा जो उसकी मजदूरी है, तो मेरा जो नौकर है उसको मैं उसको पैसे दे दूंगा या उसकी सैलरी दे दूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसने बताया है कि इनके साथ हम आपके सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सेस, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू माइट सक्सेस, तुम जरूर सक्सेस यानी तुम सफल होगे। तो यहाँ स्टूडेंट इसके साथ भी आप पास्ट टेंस का हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका रूल नंबर 8, इसमें बताया गया स्टूडेंट आपका कि जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नेरेशन होता है स्टूडेंट आपके टेंस के बाद, या तो मैं एक्टिव पैसिव या आपका नेरेशन स्टार्ट कराऊंगा, तो वहाँ भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो आगे सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ आप समझ लीजिए बस इतना है इसमें रूल कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है स्टूडेंट उसमें हम आपका जो वर्ब होती है स्टूडेंट वो अगर आपकी पास्ट टेंस में है और रिपीटेड स्पीच जो है आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसका हम रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप सिंपल पास्ट में बदलते हैं। इससे आप ही समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझेंगे हम। ही सेड आई वेंट टू रीड द हेलमेट, ये हेलमेट कोई स्टूडेंट आपका नॉवल है, उपन्यास है शेक्सपियर का, तो ये स्टूडेंट आपकी क्या दी गई है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है ही सेड। तो यहाँ आपकी स्टूडेंट क्या आएगी आपकी, हमने आई वांट टू रीड, तो यहाँ पर ही सेड का आपका ही सेड होगा और आई का, यहाँ पर आई की हम कंजक्शन स्टूडेंट आपका दैट यूज़ करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही की बात की जा रही है। उसने बोला है कि आई वांट टू रीड द हेलमेट, में जो हेलमेट नॉवेल है उसको मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमने ही का इस्तेमाल किया है। और यहाँ आई वांट, तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो रहा है, आई वांट का हमने यहाँ पर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट में बदल दिया उसको, जो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया आई वांट, तो मैं चाहता हूँ, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, उसका हमने ही वांटेड, तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, तो ये आपका सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टेंस को उतार देंगे। लेकिन यहाँ बात बताई गई है, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो आपकी सर्वव्यापी जो सत्य हैं अगर उनके बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड, तो आपका ही सेड दैट रहेगा। जैसे टू एंड टू मेक्स फोर, तो ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दो और दो मिलके चार होते हैं, ठीक है। या हम कहें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी क्या है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये स्टूडेंट आपके क्या है सर्वव्यापी सत्य हैं, तो इनके साथ हम कोई भी चेंजेस आपके नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ टू मेक्स है तो हम यहाँ मेक्ड कर दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका नेचुरल यानी हम कहें आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए आप यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका रूल नंबर 9, जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, इसका मीन्स ये होता है स्टूडेंट, जब हम कोई भी काम आपके अगर दो एक साथ घटित हो रही है, यानी कोई भी आपके दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो वहाँ हम आपका पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे बैन द पी एम इंटर्ड इन द मीटिंग रूम ऑल कॉन्ग्रेट हिम, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, उसने यहाँ पर यूज़ किया आपका कॉन्ग्रेट जो आपकी इस मीन्स होता है बधाई देना, ये आपकी वर्ब है, तो उसका हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया स्टूडेंट। बैन द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री अंदर गए तो जितने भी लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया, तो यहाँ स्टूडेंट आपके दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री अंदर गए और सभी लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। सेकंड एग्जाम्पल में बताया कि सी वॉज कुकिंग फूड वैन हर हस्बैंड कम, यानी कि वो खाना पका रही थी जब उसके हस्बैंड आए, तो कम, या इस तरीके से स्टूडेंट हम पास्ट के इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं या सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आपके स्टूडेंट रूल नंबर 10, इसमें बताया कि जब हम दो एक्शंस का हम सीक्वेंस में काम हो रहा, मान लो दो एक्शन एक साथ हो रही हैं, जैसे यहाँ क्या हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर आए और उन सबका स्वागत किया उन्होंने, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे इसमें बताया कि दो एक्शन आपकी सीक्वेंस यानी एक के बाद एक हो रही हो, ठीक है, तो जो पहला वाला जो एक्शन होता है उसको हम प्रीवियस, यानी प्रीवियस मीन्स क्या होता है, जो काम पहले हो चुका है उसे हम प्रीवियस बोलते हैं स्टूडेंट, और आफ्टर होता है बाद वाला, और जो आपका सेकंड वर्ब होता है जो बाद में हुआ है उसको स्टूडेंट हम सबसिक्वेंट एक्शन कहते हैं। इसके साथ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, जो आपकी फर्स्ट एक्शन है उसके साथ आपके पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। पास्ट परफेक्ट में क्या है स्टूडेंट, हम आपके थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, और जिसमें हम आपके आफ्टर या बिफोर हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन आपकी स्टार्ट हो चुकी थी जस्ट बिफोर, जैसे मैं पहुंचा उससे पहले क्या है आपका रीच द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पहुंचने से पहले आपकी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी या आपकी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी थी। बी एग्जाम्पल बताया कि सी स्विच ऑफ द लाइट बिफोर ही लुक द डोर, यानी उसने स्विच ऑफ कर दिया किसको, लाइट को, बिफोर माने पहले, ही लुक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा देखने से पहले, तो यहाँ स्टूडेंट क्या आपकी दो काम हो रहे, तो यहाँ उसने बोला है पहले लाइट बजाइए दरवाज़ा, तो यहाँ आपका जो पहले उसने यहाँ पर आपकी लाइट बजाई है, सी स्विच ऑफ द लाइट बिफोर द लुक, उसने दरवाज़ा खोलने से पहले या देखने से पहले उसने लाइट को
ऑफ कर दिया। तो यहाँ जो आपका काम पहले हुआ है स्टूडेंट, उसको हम आपके पास्ट परफेक्ट में बताते हैं, और सेकंड वाले को आपके पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर इस तरीके से रिस्ट है आपका। द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है कम का। और यहाँ यहाँ क्या हुआ है, द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट, यानी पहले आपका आपका जो मरीज है वो मरा है स्टूडेंट, उसके बाद आपका डॉक्टर आया है। तो यहाँ इस तरीके से आपने यूज़ करना सीखा। तो आज की वीडियो थी यहीं पर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।